ये कहानी है नटवर और उसकी पत्नी शीला की। नटवर एक साधारण किसान था जो दिन भर खेतों में मेहनत करता था, लेकिन शीला तो पंचायत थी, उसे सारे गांव की खबर रहती थी। ए जी, तुम्हारे दोस्त जगन ने अपनी पत्नी के लिए एक नया सोने का हार बनवाया है। अच्छा है ना? क्या अच्छा है, तुम्हारे सारे दोस्त अपनी पत्नियों के लिए कुछ ना कुछ बनवाते ही रहते हैं, और एक तुम हो जो मेरे लिए एक नई साड़ी तक नहीं ला सकते। इस बार अगर फसल अच्छी हुई तो तुम्हें एक नहीं दो नई साड़ी दिलवा दूंगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का। ये सुनकर शीला बहुत खुश थी। अगले दिन नटवर अपने खेत पर पहुंचा और खेत जोतने लगा। अचानक उसका हल किसी चीज से टकराया। ये क्या है? नटवर ने जब वहां खोदा तो उसे एक बक्सा मिला, जो देख नटवर सोचने लगा, शायद ये कोई खजाना है। लेकिन जैसे ही नटवर ने बक्सा खोला तो उसकी उम्मीद टूट गई, क्योंकि बक्सा खाली था। इसमें तो कुछ भी नहीं है। खैर चलो, इसे घर ले चलता हूँ, सामान रखने में काम आएगा। नटवर बक्सा घर ले गया और उस बक्से में उसने अपनी पत्नी की दो साड़ियां रख दी। अगले दिन जब नटवर ने बक्सा खोला तो वो बक्सा साड़ियों से भरा हुआ था। अरे ये क्या, मैंने तो सिर्फ दो ही साड़ियां डाली थी। अरे बाप रे, ये तो एक जादुई बक्सा है, हमारे तो भाग खुल गए, अब हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे अभी खेत जाना होगा, खेतों को पानी डालना जरूरी है। नटवर अपने खेत निकल गया और शीला सोचती रही कि वो क्या क्या करेगी। शीला ने उस जादुई बक्से में अपना एक कंगन डाल दिया और इंतजार करती रही। शाम होने पर नटवर घर वापस आया और उसने देखा कि सारा घर सुबह की तरह गंदा था। शीला, ये क्या, तुमने घर में झाड़ू भी नहीं मारी और अब तक चूल्हा भी नहीं जला है। मैं इंतजार कर रही थी कि कब मेरा एक कंगन ढेर सारे कंगनों में बदल जाएगा। अब जब नटवर ने बक्सा खोला तो सारा बक्सा कंगनों से भर चुका था। नटवर ने सारा बक्सा चादर पर उलेट दिया। इतना सारा सोना हमें जिंदगी भर आराम से जीने के लिए काफी है, अब मैं तुम्हारे लालच को और बढ़ावा नहीं दे सकता। आज तुमने सोने के लालच में घर का कोई काम नहीं किया। और नटवर ने एक हथौड़ी ली और वो बक्सा तोड़ दिया। अरे नहीं, नहीं! नटवर ने बक्सा नहीं, अपनी बीवी का बढ़ता हुआ लालच तोड़ा, क्योंकि लालच के कारण शीला सब कुछ भूल चुकी थी, यहाँ तक कि उसके घर को भी। नेहा, नेहा, अरे जरा मेरी मदद कर दे, नेहा, नेहा। ये लो आपकी चाय, ये सब आपकी गलती है। अरे अब मैंने क्या किया? ये सब आपकी ही कारस्तानी है, ना नेहा को वो नया बड़ा मोबाइल लाकर देते और ना ही वो ऐसी रहती। अरे अब फर्स्ट क्लास में पास हुई है तो कुछ तो देना बनता ही है। आहा, फर्स्ट क्लास में पास हुई, शादी करके जाएगी तो क्या ससुराल वालों को डिग्री खिलाएगी? ना वो उस मोबाइल को छोड़कर घर का काम सीखती है और ना ही मेरी बात मानती है। जब ससुराल वाले ताना मारे ना तो मुझे ना कहना। मेरी बेटी शादी करके ससुराल जाएगी ही नहीं, तुम ही उसे जिंदगी भर अपने हाथ का खाना खिलाना। आए बड़े, दिन भर ये लड़की मोबाइल पे लगी रहती है, ना जाने क्या खेलती रहती है वो। अरे उसे पबजी कहते हैं। हाँ हाँ वही, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। इस दिन को बस कुछ ही महीने बीते थे और आज नेहा को देखने राजीव और उसकी माँ नेहा के घर आए थे। है तो बहुत सुंदर, कितनी पढ़ी लिखी है? मेरी बेटी ग्रेजुएट है।
वो भी फर्स्ट क्लास से। अरे वाह, मैं राजीव के लिए पढ़ी लिखी लड़की ही ढूंढ रही थी। राजीव, क्या तुम्हें नेहा पसंद है? राजीव ने शर्मा कर हाँ बोला और उन दोनों की शादी पक्की हो गई। नेहा हमेशा पबजी खेला करती थी, दिन में, सुबह, शाम, हर वक्त। अरे नालायक, कुछ काम सीख ले, ससुराल वाले ताना मारेंगे ना, तब समझेगी। नेहा अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। कुछ महीनों बाद राजीव और नेहा की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। दोनों परिवार वाले बहुत खुश थे। शादी वाली रात जब राजीव कमरे में जा रहा था तो वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। उसकी दुल्हन बड़े मजे से फोन पर पबजी खेल रही थी। राजीव को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। अगली सुबह, बहू, अरे बहू। नेहा की सास किचन में नाश्ता बनाने लगी। सारा नाश्ता तैयार हो गया। कमाल है, नेहा अब तक नहीं आई, चलकर देखती हूं। नेहा की सास जब उसके कमरे में गई तो नेहा अपने फोन में पबजी खेल रही थी। मैं कब से आवाज दे रही हूँ और तुम यहाँ गेम खेल रही हो? अब वो माँ जी, अगर मैं गेम छोड़ देती तो कोई मुझे मार देता। एक मिनट माँ जी, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करने आ जाओ। राजीव और उसकी माँ दोनों नाश्ता करने पहुँच चुके थे, लेकिन नेहा अब भी गेम खेलने में बिजी थी। मैं कब से इस लड़की को आवाज दे रही हूँ, लेकिन ये गेम छोड़ती ही नहीं। राजीव चुपचाप नाश्ता करने लगा। उसने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। नाश्ता खत्म करके बरखा घर का सारा काम करने लगी। फिर उसने दोपहर का खाना बनाया। बरखा घड़ी की ओर देखती रही। अजीब है, ये लड़की अब तक नहीं आई। और फिर बरखा खाना बनाने में बिजी हो गई। सारा खाना तैयार होने के बाद, राजीव, बेटा राजीव, बहू, बहू। राजीव टेबल पर आ गया, लेकिन नेहा वहां नहीं पहुंची। मैं नेहा को बुलाकर लाता हूं। ठीक है। नेहा, ये क्या, तुम अब तक गेम ही खेल रही हो? माँ तुम्हें कब से आवाज दे रही है? अरे अभी तो कुछ देर पहले शुरू किया है। दोपहर के एक बज गए हैं और तुम अब भी गेम खेल रही हो, वाह। एक बज गए? वही मैं बोलूं, मुझे इतनी भूख क्यों लगी है? नेहा ने अपना फोन वहीं रख दिया और राजीव के साथ खाना खाने चली गई। कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ? अब सॉरी, वो मैं गेम खेल रही थी। ठीक है, लेकिन गेम से पेट नहीं भरता, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। हाँ, मुझे भूख लगी है। फिर तीनों ने साथ में खाना खाया। अब वापस गेम खेलने मत लग जाना, तुम्हें देखने मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। अब ठीक है माँ जी। नेहा अपने कमरे में गई और फ्रेश होकर उसने कपड़े चेंज कर लिए। अभी लोगों को आने में बहुत समय है, तब तक एक गेम खेल लेती हूँ। और नेहा ने वापस अपना गेम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बरखा उसके कमरे में आई। चलो, सब आ चुके हैं। ठीक है माँ जी। बरखा की सहेलियों ने नेहा को देखा और उसकी तारीफ की। बरखा बहुत खुश थी, लेकिन अगले दिन फिर नेहा पबजी खेलने में मगन हो गई। बहू, बहू, बहू। बरखा इतनी आवाजें लगाया करती थी, लेकिन नेहा उसकी एक ना सुनती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। राजीव, मैं इसकी गेम की लत से तंग आ गई हूँ। अब मैं क्या बोलूँ माँ, मैं भी परेशान हूँ। हमें इसके परिवार वालों से बात करनी चाहिए। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। बरखा ने नेहा के मम्मी पापा को बुलाया और उनसे शिकायतें करने लगी। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ,
मैं इतना चिल्लाती रहती हूँ पर ये सुनती ही नहीं, बस अपने पबजी में लगी रहती है। वो बहन जी, मुझे अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, एक पबजी एडिक्ट नहीं। मेहरबानी कीजिए और इसे ले जाइए। नेहा के माता पिता बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने बरखा को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो एक ना मानी। अंत में नेहा को उसके मम्मी पापा के साथ उनके घर जाना ही पड़ा। मैं ना कहती थी ये ससुराल में नाम खराब करेगी। हाँ, अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा। पर नेहा को इसकी पड़ी नहीं थी, वो अब भी पबजी में बिजी थी।